आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन किए हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट है कि हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग कम्प्लीट कर ली है, लेकिन अभी तक ट्रेनिंग का पैसा हमारे पर्सनल खाते में नहीं आया है। और हमारे साथ जो लोग आवेदन किए थे उन सभी को पैसा मिल गया है, लेकिन पता नहीं हमको पैसा क्यों नहीं मिला है, अभी तक पैसा हमारे पर्सनल खाते में नहीं आया है। और जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितने दिन में ट्रेनिंग का पैसा मिलता है, तो यदि अभी तक ट्रेनिंग का पैसा आपके पर्सनल खाते में नहीं आया है तो आप सबको बैंक शाखा में जाकर करना होगा ये दो काम, तभी ट्रेनिंग का पैसा आपके पर्सनल खाते में आ पाएगा। तो बैंक शाखा में जाकर के आपको ये दो काम कौन कौन से करने होंगे, चलिए वीडियो में हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताते हैं कैसे क्या है। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, और इस योजना के अंतर्गत कुल 18 प्रकार के ट्रेड हैं, और जो भी लोग जिस ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं उसी ट्रेड से संबंधित आवेदन कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हैं फ्री सिलाई मशीन योजना ट्रेड में आवेदन किए हैं और वह लोग बोल रहे हैं कि हमने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सरकार की तरफ से जो 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वजीफे के तौर पर दिया जाता है वह पैसा अभी तक नहीं मिला है, कब तक मिलेगा। तो देखिए, ट्रेनिंग का पैसा जो होता है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पर्सनल खाते में पैसा आने में जो है कम से कम 15 दिन, अधिक से अधिक 1 माह लग जाता है। 15 दिन 1 माह के अंदर ट्रेनिंग का पैसा लाभार्थियों के पर्सनल खाते में भेज दिया जाता है, ठीक। तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हमारे साथ जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं उन सबको पैसा मिल गया है, बट अभी तक हमारे पर्सनल खाते में पैसा नहीं आया है, ट्रेनिंग का पैसा अभी हमको नहीं मिला है। तो ट्रेनिंग का पैसा अभी तक आपको क्यों नहीं मिला है, किस लिए नहीं मिला है, इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग का पैसा लेने के लिए आप सभी को करना होगा ये दो महत्वपूर्ण कार्य, तभी आपको जो है पैसा मिल पाएगा, ठीक। तो सबसे पहले पहला काम आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए, आपका जो आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से और आपके पर्सनल बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। जब आपका मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड और आपके पर्सनल बैंक खाते से लिंक रहेगा तभी आपको जो है राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उस योजना का लाभ मिल पाएगा, सरकारी धनराशि तभी आपके पर्सनल खाते में भेजी जाएगी, ठीक है। तो यदि अभी तक आपका मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड और आपके पर्सनल बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आप लोग सबसे पहले ये कार्य कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। तो मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए आपको अपने यहाँ नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा या पोस्ट ऑफिस में भी जाकर के लिंक करवा सकते हैं। और आपको दूसरा कार्य जो करना होगा, आपको अपना पर्सनल बैंक खाता NPCI से लिंक करवाना होगा, ठीक। NPCI का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, केंद्र सरकार की द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है तो इसी के थ्रू ही उस सरकारी धनराशि का लाभ दिया जाता है। चूंकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, तो देखिए, यदि आपके पर्सनल खाते पर NPCI लिंक है तो पीएम विश्वकर्मा योजना ट्रेनिंग का पैसा आपके पर्सनल खाते में आ जाएगा। यदि आपका पर्सनल खाता NPCI से लिंक नहीं है तो पीएम विश्वकर्मा योजना ट्रेनिंग का जो पैसा होता है वह पैसा आपके पर्सनल खाते में नहीं आएगा, होल्ड हो जाएगा, क्योंकि जिनका बैंक खाता NPCI से लिंक रहता है तो उन्हीं के ही खाते में DBT के माध्यम से सरकारी पैसा दिया जाता है। तो जिनका पर्सनल बैंक खाता NPCI लिंक नहीं रहता है तो उनके खाते में पैसा नहीं जाता है। तो ये जानकारी आप सबको कर लेनी है कि आपका खाता NPCI लिंक है कि नहीं है। तो आपका खाता NPCI से लिंक है कि नहीं है, इसके बारे में
कैसे आपको पता चलेगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले बैंक शाखा में जाना होगा, जिस बैंक शाखा में आपका पर्सनल खाता है, ठीक, वहां पर जाइए, बैंक मैनेजर से बात करिए और बोलिए देखिए हमारा बैंक खाता NPCI लिंक है या नहीं। तो सर्च करके बताएंगे, यदि आपका बैंक खाता NPCI से लिंक होगा तो बताएंगे NPCI लिंक है, यदि नहीं होगा तो बता देंगे नहीं है। तो वहां पर आपको करना क्या है, अपना खाता NPCI लिंक करवाना होगा। तो NPCI लिंक करवाने के लिए बैंक शाखा से NPCI एक फॉर्मेट लेना होगा, उसको भर करके तुरंत बैंक मैनेजर के पास जमा कर देना होगा। उसके बाद बैंक मैनेजर क्या करेंगे, आपका बैंक खाता NPCI लिंक कर देंगे। जब आपका पर्सनल बैंक खाता NPCI लिंक हो जाएगा, तब आपको PM विश्वकर्मा योजना ट्रेनिंग का पैसा आपके पर्सनल खाते में आएगा, यानी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजना से संबंधित जो भी धनराशि होगी DBT के माध्यम से आपके पर्सनल खाते में भेजी जाएगी। तो यदि आप सब ये दो काम नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये दो काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुरंत जाकर के आप लोग अपना अपना खाता जो है NPCI लिंक करवा लीजिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और अधिक जानकारी के लिए PM विश्वकर्मा योजना टोल फ्री नंबर पर भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, कैसे क्या है, आपका पैसा क्यों नहीं आया है। तो फिलहाल PM विश्वकर्मा योजना ट्रेनिंग पेमेंट से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आई हुई है। तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी को बता रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।